Hello, students. So, let's start with the new numericals. Uh, the next numerical is numerical number 8. Okay. <clears throat> Pay attention. Two point charges QA is equal to minus 3 coulomb and QB is equal to minus 3 microcoulomb. आर लोकेटेड ट्वेंटी सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम सो लेट्स विजुलाइज के वैल्यू है प्लस थ्री माइक्रोकुलम और क्यू बी की वैल्यू है माइनस थ्री माइक्रोकुलम एंड दे आर ट्वेंटी सेंटीमीटर अपार्ट सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करो तो ट्वेंटी इंटू टेन एस टू माइनस टू मीटर अपार्ट रेडी चलो सो so, <clears throat> पूरा जो सिस्टम है वो एयर में मतलब वैक्यूम में है सो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग द टू चार्जेस मतलब ये हमारे दो चार्ज को कनेक्ट करती एक लाइन है मान लो ये है वो लाइन जो दोनों चार्ज को कनेक्ट करती है उसका मिड पॉइंट मान लो कि वो हमारा मिड पॉइंट है ओ तो क्वेश्चन ये है कि ओपे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अब ओपे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे एक इसका लगेगा और एक इसका लगेगा ये हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है रेडी? पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज के बाहर निकलता है सो so यहां से वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा तो ऐसे जाएगा ये पॉइंट पे वो ये डिरेक्शन में होगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जाता है ठीक है तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कहां होगा तो ऑब्वियसली अंदर जाएगा एड़ी? मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डिरेक्शन में है सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ इज ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी यह मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी का ये है ठीक तो है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू रखते हैं तो यहां पे फॉर्मूला क्या ई इज इक्वल टू के क्यूब बाई आर स्क्वे थी पोर्शन में पढ़ा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अब ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना होगा टेन इंटू टेन एस टू माइनस टू बाकी का भी उतना ही होगा टेन इंटू टेन एस टू माइनस टू क्योंकि टोटल ट्वेंटी है चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस तो फॉर्मूला होगा के और ये चार्ज है क्यों उसकी वैल्यू है थ्री माइक्रोकुलम मतलब थ्री इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स के क्यू बाय डिस्टेंस टेन इंटू टेन एस टू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस के अब ये चार्ज ये चार्ज कितना है माइनस थ्री तो हमें माइनस नहीं लिखना है रीजन क्योंकि ये माइनस है ये नेगेटिव चार्ज है ये चार्ज नेगेटिव साइन को कंसीडर करने के बाद ही हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाता है बोला ना कि नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगा तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है कि ये नेगेटिव है और इसीलिए हमने ये डिरेक्शन निकाली और ये डिरेक्शन की वजह से ही पता चला कि एडिशन होगा सो so, अब हम माइनस नहीं लिखेंगे सिंपली के क्यू क्यू की वैल्यू तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये थ्री इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स बाय टेन इंटू टेन एस टू माइनस टू का होल स्क्वायर रेडी सो टोटल कितना होगा तो टू के थ्री इंटू टेन रेस टू माइनस सिक्स बाय टेन इंटू टेन रेस टू माइनस टू का होल स्क्वायर रेडी सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा के uh, की वैल्यू अगर डाल दो तो नाइन इंटू टेन एस टू नाइन इंटू टेन रेस टू माइनस सिक्स इन डिवाइड बाय टेन इंटू टेन एस टू माइनस टू का होल स्क्वायर अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा फाइव पॉइंट फोर इन टू टेन इज सिक्स न्यूटन पर कुलम रेडी ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे कुछ टू हो गया के हो गया अच्छा थ्री लिखना बाकी रह गया है ना यहाँ पे इंटू थ्री भी आ जाएगा ठीक है ये थ्री हमने नहीं लिखा था ठीक है चलो अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है सी द पॉइंट बी इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्निट्यूड दिस वन एक हमें छोटा सा चार्ज दिया है जो कि नेगेटिव है कितना है आ, वो चार्ज है क्यू इज इकल टू माइनस वन पॉइंट फाइव इंटू टेन इज टू माइनस नाइन किलोम यह नेगेटिव चार्ज है इस प्लेस एट दिस पॉइंट कहाँ पे यहीं पे रखा है ओ पे ये जो सेंटर पॉइंट है ना ओ वो ओ पे हमने क्या कर दिया भी? इसको रखा है सो वॉट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज ये जो टेस्ट चार्ज है उस पे कितना फोर्स लगेगा अब रेडी ओके सो अब ये पॉइंट पे क्या है तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है कितना है इतना है सो so, अगर यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज है सो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सो थियरी पोर्शन में हमने पढ़ा था कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है कितना F इज टू क्यू ई अगर नेगेटिव चार्ज है तो कौन सी डिरेक्शन में फोर्स लगता है ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहां पे फोर्स लगेगा फोर्स कहाँ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट थ्योरी पोर्शन में हमने बताया था ऑपोजिट डिरेक्शन में लगेगा पर कितनी वैल्यू का फोर्स होगा वो इतनी वैल्यू का सो एफ इज इक्वल टू यहां पर भी हम क्यू में माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि कंसिडर कर दिए डिरेक्शन नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डिरेक्शन में तो नेगेटिव चार्ज है वो कंसिडर कर लिया है हमने फिर से यहाँ पे क्योंकि जगह माइनस वन पॉइंट फाइव नहीं लिखेंगे सिंपली वन पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू माइनस नाइन इंटू फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन एस टू सिक्स रेडी सो इसको सॉल्व करोगे सो यू विल हैव आंसर एट पॉइंट वन इंटू टेन एस टू माइनस थ्री न्यूटन रेडी? कौन सी डिरेक्शन में होगा ओ ए डिरेक्शन में कौन सी डिरेक्शन ओ ए डिरेक्शन में ये फोर्स होगा ये वाला डिरेक्शन ओ से रेडी? चलो कुछ डाउट हो तो मैसेज कर देना ओके सो नेक्स्ट नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर नाइन अ सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए क्यू बी वैल्यू दे रखिए लोकेटेड एट द पॉइंट ओके चलो पहला जो चार्ज पार्टिकल है क्यू ए वो कितना है टू पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू माइनस सेवन कुलम और वो कहाँ पे है वो ए पॉइंट पे है और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे जीरो ज़ीरो माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर सेम वी हैव अनादर चार्ज पार्टिकल क्यू बी जिसकी वैल्यू है माइनस टू पॉइंट फाइव इंटू टेन इज टू माइनस सेवन कुलम एंड दिस चार्ज इज बी विच इज अरो प्लस फिफ्टीन सेंटीमीटर रेडी ओके वॉट आर द टोटल चार्ज हमें फाइन क्या करना है पहला टोटल चार्ज फाइन करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है uh, दूसरा फाइंड करना है हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये पूरे सिस्टम की डायपोल मोमेंट ये हमें फाइंड करना है तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं अब देखो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं सो एक्स जीरो वाई जीरो जेड एक्सिस पे है माइनस फिफ्टीन सो लेट्स ड्रा अ डायाग्राम वी कैन से दिस इज द प्लस जेड फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द माइनस जेड यहाँ पे होगा ये हो गई प्लस एक्स आ, ये वाली गई माइनस एक्स और वाई ऐसे परपेंडिकुलर होगा रेडी चलो पहला पार्टिकल जो है क्यू ए वो कौन सी डिरेक्शन में है तो माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर मतलब ओरिजिन से नेगेटिव जेड एक्सिस पे पंद्रह सेंटीमीटर दूर पे पॉइंट ए है तो ये हो गया फिफ्टीन सेंटीमीटर ठीक है नेगेटिव इंडिकेट्स डिरेक्शन अच्छा बी पॉइंट कहां है एक्स वाई जेड जेड पे पॉजिटिव पंद्रह सेंटीमीटर पे तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव एक्सिस पे एक बी पॉइंट है पंद्रह सेंटीमीटर डिस्टेंस पे तो इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा थर्टी सेंटीमीटर मतलब थर्टी इंटू टेन टू माइनस टू मीटर रेडी ओके नाउ ये हो गया डायपल क्यों क्योंकि ए पॉइंट पे जो चार्ज है ना ये चार्ज है टू पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू माइनस सेवन कुलम ये हमारा क्यू ए है और यहां पे है हमारा बी चार्ज क्यू बी इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू माइनस सेवन कुलम सो ये हो गया हमारा डायपोल डायपोल क्या था इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी फाइनेट है तो ये पूरा डायपोल हो गया तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा तो टोटल चार्ज सम्मेशन क्यू जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है टोटल चार्ज इज जीरो नाउ डायपोल मोमेंट सो so, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा पी इज इक्वल टू टू ए क्यू अब ये टू ए क्या है सो टू इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जिस इंटू वैल्यू ऑफ एनी वन चार्ज वैल्यू ऑफ एनी वन चार्ज तो ये हो जाएगा डायपोल मोमेंट ठीक है तो टू ए टू ए क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है थर्टी इंटू टेन रेस टू माइनस टू ये टू ए की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे इनटू क्या है क्यू क्यू मीनस वैल्यू ऑफ एनी वन चार्ज तो दोनों की वैल्यू सेम ही है कितनी टू पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू माइनस सेवन इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको पी की वैल्यू मिलेगी सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन एज टू माइनस एट कूलम मीटर तो ये हो गया डायपोल मोमेंट का वैल्यू डायपोल मोमेंट की डिरेक्शन क्या होती है सो थियरी पोर्शन में पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट की डिरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज तो ये हो जाएगी हमारी डायपोल मोमेंट की डिरेक्शन मतलब यहां पे डिरेक्शन हो जाएगी अलोंग बी ए बी से लेके ए तक की ये हमारी डिरेक्शन होगी एंड दिस ऑन इज अवर न्यूमेरिकल ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं नंबर टेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट चलो एक डायपोल का हमें डायपोल मोमेंट दे रखा है तो कितना है डायपोल मोमेंट की मोमेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू है पी इज इक्वल टू फोर इंटू टेन एस टू माइनस नाइन कूलम इंटू मीटर इज अलाइन एट थर्टी डिग्री विथ द डिरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीटूड फाइव 10 टेन एच minus माइनस टेन एच टू प्लस मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 into टेन एच टू फोर न्यूटन पर कुलम मतलब अगर diagram से represent करे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल को कैसे रखा है कि भाई उसकी डायपोल मोमेंट जो होती है ना ये मान लो डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू तो ये होगी तुम्हारी डायपोल मोमेंट Ready? तो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है और वो एंगल कितना दिया है हमें थर्टी डिग्री रेडी तो टॉर्क कितना लगेगा सो so, टॉर्क टाउ थियरी पोर्शन में हमने पढ़ा था वेन डायपोल प्लेज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क होगा पी ई साइन थीटा वेट थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई तो डायपोल मोमेंट और ई इन दोनों के बीच का एंगल हमें कितना दिया है थर्टी सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी वैल्यू दी है पी की फोर इंटू टेन एस टू माइनस नाइन इंटू ई फाइव इंटू टेन एस टू फोर इंटू साइन थर्टी साइन थर्टी क्या होता है वन बाय टू तो ये सारी वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करोगे तो टॉर्क आएगा आपका वन इंटू टेन एस टू माइनस फोर न्यूटन इंटू मीटर ये साइन थर्टी की वैल्यू है ठीक है चलो रही है ना सिंपल बहुत ही सिंपल है एक अगर फॉर्मूला पता हो ना कि कौन से केस में कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है है ना मैं फिर से कह रहा हूँ देखो हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है बिकॉज क्या है कि हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है और मेरा टारगेट यह है कि भी मैं पूरा एन सी है ना तो इसको अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना काफ़ी हार्ड वर्क लगता है इसके लिए है ना और एज वी कैन सी इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है काफ़ी इजी है अगर आप अच्छे से समझ के सब कुछ करते हो थीरीज और कंसेप्ट अच्छे से समझते हो सो दट इज़ वेरी फाइन टू डू सेल्फ ऑल्सो चलो तो अब देखते हैं सम नंबर इलेवन तो सम नंबर इलेवन में क्या है अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ थ्री इन टेन टू माइनस सेवन कुलम चलो सो so, यहां पे एक पॉलिथीन पीस है जिसको ये वूल से रब किया है अब यहां पे हमें नेगेटिव चार्ज मिला ठीक है तो ये नेगेटिव चार्ज है हमारा कितनी वैल्यू दे रखी है थ्री इंटू टेन एस टू माइनस सेवन कुलम एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए होंगे अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए ऑलवेज रिमेंबर कि जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है वो ही नेगेटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ के गए यहाँ पे गए सो वुल टू पॉलीथीन ये तो आंसर मिल गया अब कितने इलेक्ट्रॉन है भाई तो वेरी सिंपल क्वांटाइजेशन क्यू इज इक्वल टू एन ई टोटल चार्ज इज थ्री इंटू टेन एच टू माइनस सेवन नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड करने हैं और ई e की वैल्यू है वन पॉइंट सिक्स टेन टू माइनस नाइनटीन इसमें से n को सब्जेक्ट बनाओगे तो थ्री इंटू टेन टू माइनस सेवन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू माइनस नाइनटीन तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वन पॉइंट एट सेवन फाइव इंटू टेन एस टू ट्वेल्व इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वन पॉइंट एट सेवन फाइव इंटू टेन एस टू ट्वेल्व जो ट्रांसफर हुए हैं वूल से ये पॉलिथीन पीस में रही चलो इज देर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथिन तो से पॉलीथिन में कुछ मास ट्रांसफर हुआ है यस yes, ऑब्वियसली कुछ मास तो ट्रांसफर हुआ ही होगा क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा तो देखो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज नाइन पॉइंट वन इंटू टेन एक्सटू माइनस थर्टी वन किलोग्राम एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है मतलब इसको इतना मास मिलेगा तो टोटल तो इतने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो टोटल मास कितना होगा सो टोटल मास इज इक्वल टू नाइन पॉइंट वन इंटू टेन एस टू माइनस थर्टी वन इंटू वन पॉइंट एट सेवन फाइव ये वैल्यू रखता हूँ इंटू टेन एस टू ट्वेल्व तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका आएगा वन पॉइंट सेवन वन इंटू टेन एस टू माइनस एटीन किलोग्राम विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन कहां से कहां ट्रांसफर हुआ वोल टू रेडी तो ये भी सॉल्यूशन हो गया बहुत इजी था आपके सम नंबर इलेवन का ठीक है चलो तो अब हम देखते हैं सम नंबर ट्वेल्व टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी भैया हमारे पास दो कॉपर के स्फीयर है मतलब कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए हैं ये है स्फीयर ए और ये है बी uh, और उनके सेंटर्स से डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर्स सेंटीमीटर मतलब फिफ्टी इंटू टेन एज टू माइनस टू मीटर रेडी चलो सो वॉट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्सन इफ़ द चार्ज ऑन ईच इसट 6.5 इसका चार्ज है सिक्स 10 फाइव इंटू सेवन कुलम और इसका भी चार्ज है टेन 10 टू माइनस सेवन कुलम रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मतलब इनकी रेडियस बहुत छोटी है ठीक है तो ये क्यों लिखा है उसके पीछे का भी एक रीज़न है वो मैं अभी बताता हूँ पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सो फोर्स फाइंड करना अब दोनों सेम चार्ज है तो ऑब्वियसली रिपल्शन होगा जो भी क्वेश्चन में बोल दिया कि रिपल्सिव फोर्स फाइंड करना है सिंपल है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अब दोनों सेम है तो सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन टू माइनस सेवन का होल स्क्वायर बाय फिफ्टी इंटू टेन टू माइनस टू एफ इज टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर सो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा वन पॉइंट फाइव टू जीरो इन टू टेन एस टू माइनस फाइव न्यूटन ठीक है ओके okay. दूसरा क्या है पॉइंट बी मतलब बी में क्या फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ ठीक है अब ऐसा कह रहा है कि दोनों चार्ज जो है वो डबल कर देने मान लो कि ये दोनों चार्ज है क्यू क्यू और ये जो डिस्टेंस है वो है आर तो राइट नाउ कितना फोर्स लगेगा एफ इज गलू के क्यू क्यू मतलब क्यू स्क्वायेर बाय आर स्क्वायर देखो फ्लैश लाइट बंद हो गया ना अभी देखो ब्राइटनेस थोड़ी कम होगी होगी ये ज़्यादा लंबा वीडियो लेते हैं ना तो ऐसा होता है इसलिए ट्वेंटी मिनट्स का ही ले पाते हैं फ्लैश बंद हो जाता है सो एफ इजिकल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये अब भी फोर्स लग रहा है इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन अब पार्ट बी में क्या कर रहा है कि इफ़ चार्ज डबल मतलब ये इसका चार्ज डबल कर देना है Q की जगह टू क्यू और इसका चार्ज भी कितना करना है Q की जगह टू क्यू सो नया फोर्स लगेगा एफ इजिकल टू के टू क्यू इंटू टू क्यू और डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ मतलब जो भी डिस्टेंस है उसको हाफ कर दो आर बाई टू कर दो डिस्टेंस कितना करना है हाफ तो ये आर कंसीडर किया था उसका आधा अब कितना फोर्स लगेगा सो एफ डैश इज इक्वल टू के टू इंटू टू फोर क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय फोर सो एफ डैश इज इक्वल टू भाई ये जो फोर है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर तो सिक्सटीन के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अब केक्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या था तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो हमारा एफ था तो नया फोर्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर वन तो नया फोर्स क्या होगा इंटू एफ सो नया फोर्स जो है एफ की वैल्यू थी वन पॉइंट फाइव टू जीरो इंटू टेन एक्स टू माइनस फाइव तो इसको सॉल्व करोगे यू विल है टू पॉइंट फोर थ्री टू इंटू टेन एक्स टू माइनस थ्री ठीक है चलो चलो अभी एक नीट का कंसेप्ट सिखाता हूँ है ना यहाँ तक अगर भाई कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैसेज कर देना है ना अब देखो एक नया कंसेप्ट सिखाता हूँ क्वेश्चन में ऐसा क्यों बोला है कि भाई इनकी रेडियस जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है रेडियस स्मॉल मतलब कि स्फीयर छोटे हैं मान लो कि स्फीयर बड़े होते तो क्या होता देखो मान लो कि स्फीयर्स बड़े हैं और कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए हैं क्वेश्चन में लिखे ना कि कॉपर के हैं मतलब Uh, दोनों कंडक्टिंग मटेरियल के हैं सो so, हमें पता है कि जब कंडक्टर पे चार्ज डालते तो चार्ज कहाँ चले जाते सरफेस पे क्यों बिकॉज चार्ज पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल अगर कंडक्टर है ना तो चार्ज पार्टिकल्स कंडक्टर की सरफेस पे कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं अब दोनों पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हो जाएगा सो so, रिपल्शन की वजह से क्या होगा सारे पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएंगे सो so, वो केस में ये जो डिस्टेंस आर हमने सेंटर से लिया था ना उसकी जगह यहाँ से लेने पड़ेंगे तो वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू द प्रीवियस वन तो ये एग्जाम में ध्यान रखना है इफ़ स्फीयर्स आर कंपेरेटिवली वेरी लार्ज एंड मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल तो ये रिपल्शन की वजह से चार्ज पार्टिकल सेपरेट हो जाते तो ये सरफेसिस से हमें डिस्टेंस गिनना पड़ता है तब सेंटर से मत गिनना है ना सो so इतना एग्जाम में ध्यान रखना ठीक है चलो कुछ डाउट है तो मैसेज कर सकते हो ठीक है थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स बाय